तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। सो गाइस क्या तुमको पता है कि तुम्हारे जो बनी वाला बंडल है, ठीक है, जो राइस्टार यूज करता है, तुम जानते हो यार राइस्टार वाला बंडल के नाम से वो फेमस है, तो वो बंडल फ्री में आने वाला है। और हाँ भैया, ज़्यादा खुश भी मत हो क्योंकि जरूरी नहीं है कि फ्री में मिले, फ्री में तो नहीं मिलेगा यार, इतना ओपी वाला बंडल फ्री में थोड़ी मिलेगा। और हाँ, इसी के साथ में गाइस क्या तुमको पता है कि मतलब मैंने जो कल वाले वीडियो में थंबनेल लगाया था, ठीक है, तो बहुत बंदों ने क्या किया ना, जैसे MI गेमिंग हो गया, फिर गेमिंग विथ अक्षय, ये सब भाई सेम थंबनेल लगा के स्ट्रीम कर रहे हैं यार। अब मुझे सीरियसली गुस्सा आ गया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं दिमाग मेरा खराब हो गया था। बट पता क्या हुआ, गैडिना ने इन सबको स्ट्राइक दे दिया, ठीक है, तुम स्क्रीनशॉट पे देख ही सकते हो, इन सबको स्ट्राइक दिया। और भाई इतना खुशी हुई ना इन लोगों को स्ट्राइक पड़ते हुए देख के, मतलब यार सीरियसली यार, अब तुम खुद सोचो मैं ऐसा थंबनेल बना रहा हूँ, ठीक है, अब कोई बंदा मेरा थंबनेल यूज़ करेगा। अब देखो जो ऑडियंस मेरी जानती है, जो हमको जानती है, वो तो हम मुझको उन लोगों को पता है, ठीक है, बट कोई बाहर की ऑडियंस आएगी मेरे चैनल पे, वो तो यही समझेगी ना कि ये बंदा भी उनके जैसा स्कैम करेगा। तो भाई सीरियसली मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं तो सीरियसली उसी टाइम उनको स्ट्राइक ठोकने जा रहा था, बट सही बताऊँ तो मुझे स्ट्राइक मारने नहीं आता, बट कोई बात नहीं, ठीक है। बट गाइस छोड़ो, ये सब बातें बाद में करेंगे, उससे पहले गाइस तुम लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, ठीक, तुम लोग के पास सिर्फ तीन ऑप्शन है और तीनों में से सिर्फ एक ही को तुमको चूज करना है, ठीक है, ये रूल है भाई, ठीक है। मैं तुम लोगों से, हालांकि मिलता तो तीनों चीज़ है, ठीक, बट तुमको ना इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है, प्लीज़ चीटिंग मत करना, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक को ही सिलेक्ट करना। अगर, ठीक है, अगर तुमको फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, ठीक है, तो अगर तुमको फ्री फायर वाले ने बोला कि हाँ भैया तुमको पार्टनर प्रोग्राम में लेंगे और तुम्हारे पास ऑप्शन सिर्फ तीन होंगे, ठीक है, पहला चीज़ तुमको फ्री में डायमंड मिलेगा, दूसरा चीज़ तुमको फ्री में कस्टम मिलेगा, और तीसरा चीज़ तुम्हारे अकाउंट में भी बैच जो होता है ना, भी बैच जो हमारे सामने तुम अभी गेम प्ले में देख सकते हो, सामने जो हमारे चचा हैं उनका भी बैच देख सकते हो ना, तो बस वो वाला भी बैच, ठीक है, तुमको इन तीनों में से कोई एक ही चीज तुमको सिलेक्ट करना है, ठीक है, तुमको पार्टनर प्रोग्राम में जाने के लिए सिर्फ तीनों में से एक ही चीज सिलेक्ट करना है, तो तुम क्या लोगे, ठीक है। मेरी मानो तो मैं तो भाई वी बैच लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे डायमंड कस्टम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो भैया वी बैच चाहिए, बट तुम क्या लोगे, ठीक है, तो वो मुझे कमेंट बताओ, मैं सबका कमेंट का वेट कर रहा हूं, ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन हमेशा इनेबल रहता है, तो जो भी तुम लोग कमेंट करते हो वो मुझे पता चल जाता है, ठीक है, तो मैं सबका कमेंट का वेट कर रहा हूं। फटाफट बताओ कि तुम क्या सिलेक्ट करोगे, तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, मिलता तो तीनों चीज है बट तुम कोई एक चीज बताओ मुझे, मैं देखना चाहता हूं कि बंदे को क्या ज्यादा चाहिए, ठीक है। सो अभी मजाक मस्ती साइड में रखते हुए हम लोग ना सीरियस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर ये वीडियो है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं तुमको बता दूं कि फ्री फायर का प्रो लीग का टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है, तो भैया प्लीज़ यार जाओ यार खेलो, तुम लोग प्रो लीग क्या कर रहे हो भाई, मतलब इधर क्या घूम रहे हो, तुम लोग जाओ एक बार प्रो लीग खेला करो यार, क्योंकि ऐसे ही तुम्हारा गेमिंग सेंस बढ़ेगा, कब तक आलोक के लाइन में लगे रहोगे, जाओ एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता यार, ट्राई करो तुम लोग, ठीक है, एक बार ट्राई करो। और जिसको ट्राई करने का नहीं मन है उनको भी मैं एक बात बताता हूँ, उससे तुम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होगे कि गाइज इसका जो प्राइस पोल है वो है 35 लाख, ठीक है, यानी कि 35 लाख। तो भाई चलो यार मान के चलो, अगर तुम गलती से खेलने चले गए और मान लो तुम जीत गए तो समझ रहे हो क्या होगा, 35 लाख मजाक है क्या, तुम्हारे घर में 5 लाख, 5, 8, 10, 20 नहीं बे, 1 लाख का एक आईफोन आता है, तो समझ लो भाई 35 iPhones तुम रख सकते हो, बिना किडनी बेचे हुए तुम्हारे घर पे आईफोन आ जाएगा, समझ रहे हो, तो फटाफट खेल लेना यार, क्या जा रहा है, मस्त टूर्नामेंट है। और इसका जो लाइव वॉचिंग का माइलस्टोन होगा, रिडीम कोड होगा, उसका आपको बताने के लिए तो तुम्हारा भाई बैठा है नहीं इधर, तो मैं बता दूंगा। और हाँ, जो भी बंदे सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे रिडीम कोड्स मिलेंगे, क्योंकि देखो यार मैं यहाँ पे कोई भी फेक रिडीम कोड नहीं देने वाला तुमको, तो तुम लोग टेंशन ना लिया करो, जो भी ऑफिशियल्स की तरफ से हमें मिलता है वही मैं देता हूँ, ठीक है, तो उतना भी मैं चिमकांडीगिरी नहीं करता हूँ। और बात करें बनी बंडल की, तो गाइस ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस निकल के आ रहे हैं कि तुम्हारा जो बार समर इवेंट होने वाला है ना, समर इवेंट, क्योंकि देखो अभी तक समर इवेंट हमारे गेम के अंदर नहीं आया इंडिया सर्वर के अंदर, तो इस बार का समर इवेंट के अंदर तुमको शायद से बनी का बंडल देखने को मिल सकता है, बनी का बंडल मतलब राइस्टार वाला बंडल, जो भी तुम लोग बोलो, ठीक है। तो बस मेरे भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ इंस्टाग्राम पे आ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।